नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड में कोई पहली बार वीडियो नहीं बना, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए दोस्तों। जो अभी तक का हमारा 1500 रुपये का टारगेट था उसको कंपनी ने अचीव किया। नेक्स्ट टारगेट हमारा 2000 रुपये का रहेगा। हालांकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे इन्वेस्टर आज के दिन कन्फ्यूजन में होंगे कि इस स्टॉक में देखा तो एक फ्लैट चलने के बाद स्टॉक में एक सडनली तेजी देखने को मिली थी, उसके पीछे का भी रीजन दोस्तों मैं अपने पॉइंट से कवर करूंगा। हालांकि दोस्तों बैकग्राउंड में बहुत सारे न्यूज चलते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। वैसे या इस चैनल पे देखा है तो मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात होती है, तो ऐसे में क्या अभी इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग कर सकते या नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि जिनके भी पोर्टफोलियो में दोस्तों उनको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन लगभग स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिली थी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मतलब 1500 रुपये का टारगेट था, कुछ लोग कहेंगे कि आज के दिन 1500 रुपये कहाँ टच किया, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 7 रुपये 6 रुपये के आसपास कंपनी मतलब की दूर थी, नहीं तो 1500 के लेवल को कंपनी ने आज के दिन टच किया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आज के दिन कंपनी का बाउंड भी खाई नहीं, आप इसको जो कि ऑल टाइम हाई भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक कंपनी लगभग 5300% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 2%, एक महीने की बात करेंगे तो लगभग 20% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि देखिए, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि बैकग्राउंड में बहुत सारे डेली बेसिस पे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, उसी में से देखा है तो टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 11% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली एक साल में मतलब जो कि देखा है। तो अभी आगे क्या करना है, देखिए बहुत सारे अगर मैं एनलिस्ट की बात करूं तो उनके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हालांकि दोस्तों हम लॉन्ग टाइम की अगर बात करें तो हम ना ही चार्ट देखते हैं ना ही टेक्निकल एनालिस्ट, हम जो कि कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी अच्छी है, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी में जो इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस समय करेंट गवर्नमेंट की बात करें जो कि फेम फास्ट एडॉप्शन जो कि देखा जाए तो मतलब मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक की बात करें जो कि फेम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए मतलब गुड लक साबित हो रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि मतलब जो गवर्नमेंट्स है, करंट गवर्नमेंट, उसका भी क्या ओरिजन है कि आप फास्ट जितना भी फास्ट हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल को एडॉप्शन कर लीजिए। तो ये कंपनी के लिए भी अप्लाई होता है और एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से, एज ए रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से, मतलब कस्टमर के हिसाब से भी सभी के लिए अप्लाई होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इस कंपनी के लिए फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। इसी पॉइंट को अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों तो कंपनी के जो रेवेन्यू है, देखिए सबसे पहले तो बताना चाहिए 2020 में कंपनी 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये के आसपास चल रही थी, वहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1500 के लेवल को टच किया है, मतलब क्या 4000% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं 5 साल के चार्ट को देखेंगे ना तो यहाँ से अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँगा तो लगभग 3000% के आसपास रिटर्न बना मतलब देखने को मिल रहा है। तो इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ऐसा अगर मैं एनलिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें मतलब उनका 150 दिनों का एमएम एवरेज मतलब जो कि देखा दोस्तों RSI सब कुछ देखिए दोस्तों जो एक्सपेक्टेड है वो 30 मतलब जो कि मतलब कम से कम 30 होना चाहिए, तो उसके लिए आप बाइंग के लिए अवेलेबल हैं। 70 पे रहता है, 70 के ऊपर रहता है तो जो कि सेलिंग जोन है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये सारा हम मानते ही नहीं, क्योंकि हमारा जो मानना रहता है दोस्तों हम कंपनी को जो कि लॉन्ग टाइम के लिए पिक करते हैं। वहीं पर इस समय की अगर मैं बात करूँ, देखिए इस कंपनी के लिए जो गुड लक साबित हो रहा है, टाटा मोटर की बात करें तो आपको पता है पैसेंजर व्हीकल पर कंपनी लगी हुई है। अगर किसी से ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है इस समय करंट माहौल के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि बस कमर्शियल व्हीकल के लिए, वहीं पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि JVM ऑटो भी इस फील्ड में जो कि कम नहीं है, और कुछ मतलब कि अनलिस्टेड मार्केट में भी हैं जो कि वो भी कुछ कम नहीं है। तो हालांकि दोस्तों कंपनी इस समय एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आपको कंपनी में पैसा लगाना है तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JVM ऑटो, ये सारा अच्छा देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कुछ न्यूज़ भी देखा जाए तो देखिए आपको हम पहले बता देते हैं जो कि डेली बेसिस पे न्यूज़ देखने को मिलते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग कंपनी को कुछ बसेस जो कि ऑर्डर मतलब उनको डिलीवर करना है 2025 तक, लगभग 2000 बसों के आसपास उनको ऑर्डर भी करना है। तो इस हिसाब से कंपनी का कुछ एक्सपांशंस भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बस से रिलेटेड भी, रिलायंस से रिलेटेड कुछ इनका मतलब रिसेंट में हमने देखा ऑर्डर देखने को मिला था। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि रिसेंटली जो इन्फॉर्म देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में, जो कंपनी के चेयरमैन ने बताया, MD ने बताया, लगभग टोटल 9000 बसेस का जो कि कंपनी के पास ऑर्डर देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक बस में। वहीं पर जो डिलीवर करना है दोस्तों मतलब जो सक्सेसफुल डिलीवरी हो गया 232 के आसपास फर्स्ट डिलीवरी जो कंपनी को देखने को मिलेगा 2023-24 की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल ईयर 2024-23 में यहाँ पे मतलब 2500 बसों के आसपास जो कि मतलब कंपनी का डिलीवरी देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ में, जो कि इसके लिए भी कंपनी तैयार है। हालांकि दोस्तों इस समय ये कंपनी मतलब कि
एज ए मार्केट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और कंपनी अच्छा कर भी रही है, इसमें भी नो डाउट दोस्तों, मतलब कि कंपनी अच्छा कर भी रही है। यहाँ पे अगर मैं वही पे कंपनी के मतलब कि देखिए बहुत सारे एनालिस्ट की बात करते हैं, उनके जो अभी टारगेट देखने को मिल रहे हैं लगभग 1500 से 1600 1700 रुपये जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा जो कि मतलब नेक्स्ट टारगेट भी बताया जा रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की बात भी आप कर सकते हैं। वहीं पे सपोर्ट की बात कर 1400 रुपये देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट। मतलब देखिए हालांकि तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच करेगी, तो बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो जो कि मतलब कि आपको मतलब कि लेवल्स भी बताए जा रहे हैं, वहीं पे देखा जाए तो एक तरफ आपको जो कि मतलब ओवरबॉट भी बताए जा रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को भी आपको मतलब नोट करके चलना है, क्योंकि देखा है तो डेली बेसिस पे चार्ट अगर आप देखेंगे एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बाइंग किया और आप मतलब रख लीजिए, हाँ कंपनी से रिलेटेड आप न्यूज उसको टैग करते रहिए, तो इन सभी पॉइंट को आपको नोट करना है। आज की अगर मैं बात करूँ तो 8% 10% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे तो 5 जनवरी स्टॉक में हाई देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में मतलब जितना भी वैल्यूम बनता है पहले से ही माल इतना कुछ खास नहीं उठाया जाता है, आज कोई नया नहीं है, वैल्यूम एक अच्छा खासा हाई डिसेंट बनता ही है, वो तो पहले की बात। स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, तो सबसे पहले अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, देखिए प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है, 8% जो कि FIs है, DIs बहुत ही कम है, मतलब न के बराबर है। हालांकि तो FIs और DIs की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखने को मिलते हैं। हाँ दोस्तों, FIs और DIs का जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि वो कहाँ पे मिलेगा, तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, बहुत सारी कंपनियों, मारुति में जो कि आपको डिसेंट स्टेक देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस कंपनी की बात करें तो जस्ट ये कंपनी एक रिस्की कंपनी दोस्तों, तो इस पॉइंट से DIs और FIs के पास जो भी पैसा होता है, मतलब DIs की बात करें म्यूचुअल फंड के पास जो भी पैसा होता है दोस्तों पब्लिक का होता है, जहाँ पे पब्लिक बोलती है वहाँ पे ही लगाया जाता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी के पास अभी कैपेक्स की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट से भी कंपनी को कुछ मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट से बहुत सारी गवर्नमेंट से भी कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं। तो ऐसे में 150 एकड़ में कंपनी मतलब कि इनको कुछ मतलब कि गवर्नमेंट्स की तरफ से ज़मीन भी मिले थे और बसेस का भी ऑफर्स मिला था। हालांकि 10,000 बस पर ईयर जो कि अभी इनकी कैपेसिटी भी बनाने की चल रही है, जिसपे कैपेक्स करके रख रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए मतलब कि आने वाले समय में कंपनी के पास एक अच्छा खासा मार्केट रहेगा, और अभी भी देखा है तो कुछ कम नहीं है। अभी करना क्या है, जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, अगर करंट प्राइस पे इस कंपनी को आप बाइंग करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी की भी अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आप अगर एक साल में देखेंगे 200% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है, और इतनी बड़ी तेजी आने के बाद गिरावट की अगर मैं बात करूं तो एक साल में अगर आप देखेंगे तो इसको मैं एग्जिट अगर कैलकुलेट करता हूं तो लगभग आप कह सकते हैं 30% के आसपास इस कंपनी में गिरावट होती है। उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक में एक तेजी ही देखने को मिलती है, मतलब आप एग्जिट अगर रफली इसको कैलकुलेट करेंगे 30% आ जाएगा, मतलब 30% गिरने के बाद इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। कोई भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 20% के आसपास जो भी गिरावट होने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये कोविड पीरियड था, इसके बाद देखा जाए तो इसको भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो माफ़ करना थोड़ा सा ज़्यादा ये हो सकता है, 50% के ऊपर भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अभी की सिचुएशन बहुत ही मतलब डिफरेंट है। ऐसे में अभी क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बात नहीं कर रही है, अभी सीधा जो कि मतलब कि मार्केट में वर्क कर रही है, और छोटी कंपनी पहले से इस सेगमेंट में वर्क कर रही थी। तो इस पॉइंट से देखा है तो कंपनी अच्छी है, हालांकि जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी ट्रेडर इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाइंग करेगा, गिरावट होती है तो कंपनी 1300 से मतलब 1300 के आसपास आ सकती है, वर्स्ट कंडीशन में बात करूँ। वहीं पर तेजी की बात करते कंपनी आने वाले समय 2000 के लेवल को भी टच करेगी। हाँ, इसमें हो सकता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।